giving me the second opportunity to come in live on their official page. Last time we had done one dessert, that was mango chana khir. So today I am going to show you one very innovative starter, that is onion cheese cups, cheesy onion cups. So चलिए पहले उसको बनाना start करते हैं. तो उसके लिए उसकी जो filling है cheesy filling, वो हम पहले बनाएंगे. फिलिंग के लिए हमें चाहिए चॉप अनियंस, चॉप गार्लिक, चॉप सैलरी, शेरिड स्पिनच एंड चॉप कॉर्न्स. लेट्स स्टार्ट विद दैट. Once you get all get heated, we are chopped garlic. Can we take Amul ghee instead of butter or oil? Like Amul butter instead Amul of oil. You can take Amul butter, but you have to add some oil in it, because butter, जैसे ही हम डालते हैं ना, तो एकदम से brown होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें milk issues होते हैं. So you can add a little, a small spoon of oil in it when you are using butter. गार्लिक को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का स्वेट करना है. और उसके बाद हम उसमें सैलरी डालेंगे. अगर सैलरी ना हो तो यू कैन लेफ्ट इट आल्सो. जैसे आपका सैलरी का स्मेल फ्लेवर आने लगेगा, देन यू ऐड दिस चॉप्ड अनियन. Recipe name is onion cheese cup. इसके बाद हम वैसे हमारा onion sweat हो जाएगा, then we add spinach. Thank you.
little salt. हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका हमें कलर मेंटेन रखना है स्पिनच का। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो हम सब तो स्वेट करना है इसको, और उसके बाद जो रेड ब्राउन। Now you add some seasoning, some chili flakes. हम तो थोड़ा spicy रखेंगे क्योंकि onion में हम ऊपर से onion है उसको blend रहेगा, bread crumb blend रहेगा, तो filling अगर जो थोड़ी tangy होगी तो combine होके बहुत अच्छा taste आएगा। Black pepper, oregano. कॉर्न बॉयल है, कॉर्न बॉयल, यस वी विल यूज बॉइल्ड कॉर्न्स इन दिस। कैन वी टेक ब्लांच्ड पालक लाइक स्पिनच? ब्लांच ले सकते हैं लेकिन फिर वो ये आप पहले ब्लांच करेंगे फिर इसमें कुक करेंगे तो उसका कलर फिर डिस्कलर हो जाएगी ब्लांच पालक। आई रिकमेंड दैट यू शुड यूज द रॉ पालक। अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे थे, कैन यू रिपीट प्लीज? आई स्टार्टेड विद गार्लिक, देन सेलरी, अनियन, उसको सॉटे किया, उसके बाद उसमें पालक डाला, पालक डाल के उसको स्वेट किया, फिर कॉर्न डाला, कॉर्न डालने के बाद उसमें सीजनिंग डाला, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ऑरिगेनो। नाउ वी विल ब्रिंग इट इन अ बाउल। Now we'll start with the dip. जब तक वो ठंडी हो रही है हमारी हम उसकी डिप बना लेते हैं। तो फॉर डिप आई विल टेक सम मेयोनेज, हम चॉप कोरिएंडर, सिक्स टू एट क्लोव्स ऑफ गार्लिक, हम रेड चिलीज, फ्रेश रेड चिलीज, फ्यू लीव्स ऑफ बेजिल, जी गैस ऑन रखी है मैम, ऑयल रखा हुआ है उसके ऊपर इसलिए ऑयल को गर्म कर रहे हैं। लेमन जूस, हाफ ऑफ लेमन, अदर वन इज ऑफ यू कैन सी, some pepper.
And we will give a quick stir in a blender. How to make it. For this, you will take one onion and give a slight cut from offside and to beech ka part remove karenge. सिंगल बल्ब वाला नहीं देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आराम से निकल आते हैं. एंड दिस इज हाउ यू विल गेट दीज कप्स. वेरी इजी, नॉट एन डिफिकल्ट टास्क. और जो बात जो बचा हुआ है यू कैन यू चॉप इट एंड यूज इट इन एनी थिंग. तो दिस इज हाउ यू विल गेट द कप्स. तो मैंने ये बना के रखे हैं थोड़े से कप्स. And we will take our filling and Amul cheese lunga isme, Amul cheese, normal processed cheese, or you can have take cheddar. You have cheddar, you can take cheddar also. You can have parmesan, any cheese, any creamy cheese you can take except mozzarella because it's stringy. So stringy ho jata hai. Can you speak a bit louder? These are onion cheese cups and we will make sure for the voice that it should be audible to you. अब हमने मैंने चीज ऐड कराया, दो क्यूब्स जाएंगे इतनी फिलिंग में. Can you repeat the ingredients of dipping? What all you added in dipping? In dip, I take mayonnaise, chopped coriander, some fresh red chilies, basil, a lemon juice, and garlic. More cheese to go. We'll make it cheesy. शेफ वॉइस के लिए प्लीज मेक श्योर, काफी कम आ रही है. हमारी डिप रेडी हो गई है, फिलिंग सॉरी फिलिंग रेडी हो गई है. दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रीम इंस्टेड ऑफ मेयोनीज द डिप. हां डिप यू कैन मेक इट विद सार क्रीम बिकॉज़ क्रीम थोड़ी पतली होती है. तो पहले आप उसकी सार क्रीम बना लीजिए लेमन ऐड करके, उसको ठीक कर लीजिए, देन यू कैन ऐड द इंग्रेडिएंट्स. सो वी कैन बेसिकली यूज सार क्रीम या इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल क्रीम.
Also, please repeat the filling, what all things you have added. Filling mein cheese hai, corn hai, spinach hai, aur tempering hai onion, garlic, chili flakes, aur celery se, and seasoning hai. So now we will fill these cups with this filling. Can we add more vegetables in this instead of... You can add mushroom also, you can add carrot, anything you can add, but I personally like cheese and the combination of spinach and corn, so I'm doing with this. So you can add anything as per your taste or your liking. ये रॉ स्पिनिच यूज़ करने से इसका कलर ऐसे मेंटेन रहता है, कितना ग्रीन, ब्राइट ग्रीन आ रहा है. अगर जब हम कुक भी यूज़ करेंगे फिर वही उसका डल हो जाएगा कलर. Now we will make one slurry. Okay. Equal quantity of corn flour and maida. Can you repeat what you are preparing? A slurry. Isko coat karne ke liye ek batter banayenge. Corn flour aur maida se, little pepper and salt. Add some water. स्टफ को फ्रिज में सेट करने के लिए रख सकते हैं, बाद में रखेंगे जब कोट हो जाएगा ना एक बार. उसके बाद आफ्टर कोटिंग वी विल कीप इन फ्रिज. ऑल्सो कैन यू रिपीट हाउ टू गेट दीज कप्स, अनियन कप्स कैसे बनाएं? यू विल टेक अनियन एंड पील इट एंड रिमूव फ्रॉम द अपसाइड. इसको इतना काटना है एंड यू विल प्रेस फ्रॉम बॉटम. उसको ऐसे बॉटम से प्रेस करेंगे तो ऐसे ऐसे इसको अलग अलग कर लेंगे. आई हैड शोड इन द वीडियो, यू कैन री वॉच द वीडियो ऑल्सो.
Coat it with the batter. Slurry thick or thin? Thick रहेगी ना, तभी वो coat होगा अच्छे से. Also please smile. So Miss Meeta Soni is asking, how about the breadcrumbs? It should be fresh or dry? Fresh is always better. So we can use the fresh one. That is always recommended. Also, can we bake it? No, it will not come out good if you bake it. So frying is the best option. The final output would be good. Can we bake it or air fried? Air fry, you can do air frying. So air fry is possible, we can make it through air fry. Isme maide ki jagah besan ka ghol bhi ban sakta hai. Hum besan coat nahi hota hai, fir wo stick nahi hota hai. Can we do shallow fry? So the best option is deep fry only, because shallow fry ke case mein sare taraf se fry nahi ho payega, wo top and bottom easily fry ho jayega but baki part nahi ho payenge. Once done, you can also keep it for 6-10 minutes in a fridge to settle it. अभी तो हम थैंक यू इसको फ्राई करेंगे बस. ऑयल हमारा रेडी है. हम रीशेप करेंगे इसको.
Can you repeat the recipe again? I will repeat it. And the stuffing, like whole recipe. इसमें पहले हमने stuffing बनाई इसकी, उसको हमने garlic, onion और celery sauté किया, फिर उसमें corn डाले, पालक spinach डाला, seasoning डाली, और उसको ठंडा करने के लिए रखा, फिर उसमें हमने cheese grate करके मिलाया, और जिससे हमें इससे हमारी stuffing ready हो गई, उसके बाद हमने क्या कहते हैं ये अनियन की कप्स बनाए और कप्स में उस फिलिंग स्टफ करी और उसके बाद उनको स्लरी से कोट करके उसको उनको ब्रेड क्रम किया. ब्रेड क्रम करने के बाद हमने उनको आगे डीप फ्राई कर रहे हैं. Some of the feedback is like it's an innovative and nice recipe. Thank you. And can you also repeat the dip? Dip mein humne mayonnaise diya. Mayonnaise mein garlic, basil, fresh coriander aur red chilies dali, lemon juice dala, salt pepper dala aur usko halka quick stir diya. And our dip is ready. Any other questions, please? No, I'm free. I will post the whole written recipe also on the group, on the page. कितने चांसेस हैं फिलिंग निकलने के अगर बनाते समय? इट डिपेंड्स ऑन द हाउ गुड यू गो डू द सीलिंग विद द बैटर. वैसे तो निकलेगी नहीं. अभी तो मैंने फ्रिज में भी रखा तब भी नहीं निकल रही है. ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख देंगे उसको अच्छे से सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए तो बिल्कुल नहीं निकला है फिलिंग. हाउ टू मेक ब्रेड क्रम्स एट होम? ब्रेड क्रम आप मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप ब्रेड लेके आते हैं और वो बच जाती है तो फेंकने से अच्छा उसको ब्लेंड हाथ से या तो मसल तोड़ लीजिए. ब्रेड क्रम करा लीजिए मिक्सी में ब्लेंड करके उसको धूप में हल्का सा एक दिन की धूप दिखा लीजिए और उसको एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए. एंड दैट विल रिमेन फॉर विद यू फॉर यू कैन यूज इट फॉर हॉट वन मंथ. ऑल्सो कैन वी ऐड चिकन इन दिस लाइक इन केस ऑफ नॉन वेज? चिकन you can add paneer, you can add minced lamb also, you can make filling, you can make with your choice what you want to make. Now we will do the plating. So I am taking dip which we have made it. So can you break this and show one of the pieces? Yeah, sure. Dip. We'll do it in a while.
dried basil leaves. So it's done. I will show you how will it look from inside. For that, you will take one knife. Okay. Let's see. So this looks very yummy and cheesy. Put it like this also. So thank you for watching me live with this recipe. Do try it and give your feedbacks on the same page. Thank you.